राम राम दोस्तों, पॉलिटॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी वशीकरण, जादू टोना आदि की बातें और उनको करने वाले तांत्रिकों की बातें तो सुनी होंगी। आज मैं एक ऐसे ही सबसे ताकतवर तांत्रिक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा तांत्रिक जिसके संबंध ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, दाऊद इब्राहिम के साथ थे, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र हो या हर्षद मेहता का शेयर बाजार घोटाला हो, से लेकर विदेशी राजनयिकों से जुड़ा है। कौन है वो शख्स जिसका असली नाम है नेमीचंद जैन, जिसकी एक समय सत्ता के गलियारों में तूती बोलती थी। दोस्तों, बात शायद इमरजेंसी से कुछ वक्त पहले की है। नटवर सिंह कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, जो बाद में देश के विदेश मंत्री भी बने। वे तब इंग्लैंड में थे और लंदन में अपनी एम्बेसी में डिप्टी हाई कमिश्नर के रूप में पोस्टेड थे। आज जो वाकया मैं सुना रही हूँ, यह सारा वाकया नटवर सिंह की एक किताब वॉकिंग विथ लॉयंस, टेल्स फॉर ए डिप्लोमेटिक पास्ट में दिया गया है। तो लंदन में स्थित इंडिया हाउस में एक दिन नटवर सिंह से मुलाकात करने के लिए एक शख्स पहुंचा। उसने नाम बताया चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी सत्ता के गलियारों में, राजनीति में, नेताओं के बीच में एक बड़ा नाम था, और ख़ास तौर से इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री रहे, उनके एक तरह से गुरु भी थे। तो चंद्रा स्वामी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। मुलाकात के दौरान चंद्रा स्वामी ने अपनी ख्वाहिश जताई। उन्होंने कहा, मैं मार्गरेट थैचर से मिलना चाहता हूँ, आप मेरी मुलाकात का इंतज़ाम करा दें। नटवर सिंह को यह बात बड़ी अजीब लगी। एक व्यक्ति जिसके आगे तांत्रिक का ठप्पा लगा, उसकी वेशभूषा भी वैसी ही थी, लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, माथे पे तिलक, हाथ में डंडा। तो नटवर सिंह को लगा पता नहीं है क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर चंद्रा स्वामी सिफारिश लेकर गए थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद नटवर सिंह ने किसी तरह अपनी सिफारिश लगाई और मार्गरेट थैचर तक यह मैसेज पहुँचाया। मार्गरेट थैचर उस समय ब्रिटेन की पीएम नहीं थी, वह अपोजिशन की लीडर थी और उस वक्त वह कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर चुनी गई पहली महिला थी। उनके रिश्ते नटवर सिंह के साथ अच्छे थे। उन्होंने मुलाकात का वक्त तय करा दिया और इस मुलाकात का वक्त केवल 10 मिनट का तय किया गया। मार्गरेट थैचर ने नटवर सिंह से कहा, मेरे पास केवल 10 मिनट है, उसमें जो बात करनी है चंद्रा स्वामी को वह कर लें। चंद्रा स्वामी ने कहा, ठीक है, यह टाइम मेरे लिए काफ़ी है। चंद्रा स्वामी को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, ना वह समझ सकते थे ना बोल सकते थे, इसलिए ट्रांसलेटर का काम नटवर सिंह के जिम्मे आया। अब यह दोनों मार्गरेट थैचर के पास पहुँचे। मार्गरेट थैचर चंद्रा स्वामी की वेशभूषा को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा पता नहीं क्यों यह बाबा मुझसे मिलने आया है। चंद्रा स्वामी ने वहाँ जाते ही दो पेपर मंगाए, दो पेपर उनको दिए गए। यह सब देख कर नटवर सिंह की भी हालत ख़राब थी कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। उसमें से एक पेपर में उन्होंने पेंसिल से 5 खाने बनाए और उस पेपर को उन्होंने एक साइड में रख दिया और दूसरा पेपर उठाकर उसके टुकड़े कर दिए। उन 5 टुकड़ों को उन्होंने मार्गरेट थैचर को दिए और उन्होंने कहा कि इन 5 टुकड़ों पर जो भी आपके मन में प्रश्न है उनको लिखकर इन 5 खानों पर रख दीजिए। नटवर सिंह ने यह सारी बात ट्रांसलेट करके मार्गरेट थैचर को बताई। थैचर यह सुनकर मन ही मन अनमनी हुई, लेकिन फिर उन्होंने ना जाने क्या सोच कर उन 5 टुकड़ों पर अपने सवाल लिख दिए और उन खानों पर रख दिया। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने मार्गरेट से कहा, आपने यह जो 5 सवाल इन टुकड़ों पर लिखे हैं उनमें से किसी एक सवाल को मन में सोचिए। मार्गरेट थैचर सोचने लगी, उन्होंने लेकिन कुछ कहा नहीं। इतने में चंद्रा स्वामी ने जो भी वह मन में सवाल सोच रही थी उनके इंग्लिश में सोचे गए सवाल को हिंदी में दोहरा दिया कि आपकी चीन यात्रा सफल होगी, जिसे नटवर सिंह ने ट्रांसलेट कर मार्गरेट थैचर को बताया। पहली बार मार्गरेट थैचर थोड़ी चौंकनी हुई। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है, मेरे मन की बात सामने बैठे चंद्रा स्वामी के मन में कैसे आ गई। तब तक चंद्रा स्वामी ने कहा, अब आप दूसरा सवाल सोचिए। थैचर ने दूसरा सवाल सोचा और उसे चंद्रा स्वामी ने तुरंत ही हिंदी में नटवर सिंह को बताया। इत्तेफाक से दूसरा भी सवाल वही निकला जो मार्गरेट थैचर ने मन में सोचा था। अब तो मन की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही थी और उन्होंने चिटों के अंदर लिखे सवाल को एक एक करके बताना शुरू किया। 5 सवालों के जवाब देने का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि अचानक चंद्रा स्वामी ने कहा, शाम का वक्त हो गया है, सूरज ढल गया है, अब मैं कुछ और नहीं बताता।
अब थैचर को लगा यह सब क्या है, तो उन्होंने डॉक्टर सिंह से कहा कि मुझे कुछ और सवाल जवाब पूछने थे। डॉक्टर सिंह ने कहा, नहीं वो अब जवाब नहीं देंगे। थैचर ने जल्दी से पूछा, तो फिर अब कब जवाब देंगे। नटवर सिंह ने यह बात ट्रांसलेट करके चंद्रास्वामी से कही और उनसे पूछा, आप कब जवाब दे सकते हैं। तो चंद्रास्वामी ने कहा, बोल दो अगले मंगलवार दोपहर 2:30 बजे तुम्हारे घर पर। यह सुनकर नटवर सिंह हड़बड़ा गए। वह धीरे से चंद्रास्वामी से बोले, यह इंडिया नहीं है कि जब जहां पर किसी को भी कैसे भी बुला लिया जाए। यह अपोजिशन की लीडर हैं, इनके 10 अपने रूटीन होते होंगे, ये कैसे आएंगी। चंद्रास्वामी ने कहा, आप कहकर तो देखो। नटवर सिंह ने मार्गरेट थैचर को कहा, मंगलवार 2:30 बजे मेरे घर पर। उनके मुंह से यह बात सुनते ही थैचर ने तुरंत थामी भर दी और उसी वक्त उन्होंने नटवर सिंह से उनके घर का पता ले लिया। थैचर अभी उठकर कमरे से बाहर जा ही रही थी कि चंद्रास्वामी ने एक ताबीज निकाला और नटवर सिंह को देते हुए कहा कि इसे थैचर को मंगलवार को पहन कर आने के लिए कहो। नटवर सिंह ने कहा, क्यों तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। स्वामी ने कहा, अरे आप क्या कर तो देखिए। नटवर सिंह ने झिझकते हुए थैचर से अंग्रेजी में कहा और थैचर ने उनको हैरानी में डालते हुए वह ताबीज ले लिया। और इसके बाद स्वामी ने एक और धमाका करते हुए कहा, इनसे कहिए कि ये लाल वस्त्र पहन कर आए। नटवर सिंह ने सोचा कि ये क्या कह रहा है। तब तक थैचर ने उनसे पूछ लिया कि क्या कह रहे हैं स्वामी जी। नटवर सिंह ने झिझकते हुए कहा, कह रहे हैं आप लाल ड्रेस में आइएगा। थैचर ने तपाक से कहा, अच्छा। नटवर सिंह हैरान थे। तो तय समय पर ताबीज बाह में बांधे, लाल ड्रेस पहने थैचर नटवर सिंह के घर आ पहुंची। तय समय पर उनकी बातचीत शुरू हुई और फिर जिस प्रश्न को लेकर थैचर वहां आई थी, उन्होंने चंद्रास्वामी से वह सवाल किया कि क्या मैं ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। उनका सवाल सुनकर चंद्रास्वामी विचारों में डूब गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, 3 या 4 साल बाद आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और 9 या फिर 11 या फिर 13 साल के लिए आप प्राइम मिनिस्टर पद पर बनी रहेंगी। नटवर सिंह वहीं मौजूद थे और उन्होंने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है। इसके बाद यह मुलाकात यहीं ख़त्म हो गई। चंद्रास्वामी वापस चले गए और 1979 में जब ब्रिटेन के इलेक्शन हुए तो उसमें थैचर जीत गई और वे ब्रिटेन की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी। इसके बाद 1979 से 1990 तक प्राइम मिनिस्टर बनी रहीं। चंद्रास्वामी की 3 से 4 साल की भविष्यवाणी जो की गई थी वह सही निकली। इसके बाद भारतीय राजनीति के गलियारों में नहीं देश विदेशों में चंद्रास्वामी की धाक कैसे जमी वह एक अलग किस्सा है। लेकिन इतना जान लीजिए कि तंत्र से राजतंत्र में आने वाले चंद्रास्वामी जब तक जीवित रहे, तमाम आरोपों के बावजूद उनकी अपने प्रशंसकों में गहरी पैठ रही। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर जरूर दीजिए। नमस्कार।